बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की हाल चाल ने मेरे सारे भैन भाइयों के अज जगा ना थोड़ी जी जी है ना परेशानी बन गई क्योंकि जोड़ा है ना बेगम साहबा की तबीयत जी है ना काफ़ी सारी खराब हो गई करके जोड़ा है ना अचानक अस्पताल आना पाया घर जोड़ा है तो दुआ सलाम नहीं हो सकता ता करके जोड़ा है ना मैं इतने अस्पताल ही आ गया तो अंदर जोड़े है ना अपना अम्मी भी हैगी बेगम साहबा भी हैगी क्योंकि अम्मी भी नाल ही लैके आया सी तो हाले तक जोड़ा है ना थोड़ी जी फिलहाल उन्हें परेशानी दसी अल्लाह खैर करे सी क्योंकि वेट कर रहे हैं तो एक डॉक्टर साहब में मुलाकात हुई है क्योंकि अपना लेडीज वार्ड के अंदर नहीं जान देते तो डॉक्टर साहब ने कहा बेटा माशाल्लाह ज़्यादा सीरियस मसला कोई नहीं तो इंशाल्लाह अल्लाह खैर करे दुआ का सेट हो जाए अचानक जी क्योंकि सवेरे से चले से ना अपना कपड़े जोड़े इस्त्री करा इस्त्री सॉरी कह रहे हैं टेंशन है जोड़े है ना गल ही नहीं आ रही गए से अपना दर्जन देने से कपड़े जा रहे थे तो करके जोड़ा है ना उस टाइम तबीयत जी है बेगम साहब की अचानक जी खराब हो गई फिर जोड़ा है ना दस्ती सानू घरों निकलना पाया तो रस्ते जोड़ा है ना फिर काफ़ी सारा रस्ते ही प्रॉब्लम बनी लेकिन जोड़ा ना अल्लाह खैर किया तो टाइम सिर जोड़ा है ना अं अस्पताल पहुँच आए थे तो बाकी जोड़ा है अंदरों कोई खबर मिली तो फिर तेरे जोड़ा है मैं शेयर कराँगा गलबात तो सारे भैन भाई जो मिलकर दुआ कर दो। हाँ जी तो माशाल्लाह जी है एक खुशी की गल जी है डॉक्टर ने कहा हूँ कोई किसी किस्म की परेशानी कोई नहीं तो उन्होंने जोड़ा है ना छुट्टी देती उन्हें क्या भी हम घर चले जाओ क्योंकि जोड़ा है ना अगर ज्यादा मजीद परेशानी भी बने तो उन्हें अपना नंबर दिता उन्हें क्या कॉल कर लिया तो फिर जोड़ा है ना गड्डी भिजवा देंगे या अपना या कोई भी होंगे भी मेडिसन जी फोन पर लिख के बंदा गला देता है कि मेडिसन दे दो आराम आ जाए तो इंशाल्लाह जोड़ा है ना चल के उन्हें जी गारी मुलाकात होती लेकिन पहले तो है मैं काफ़ी सारा टेंशन है अल्लाह ने किया तो टेंशन जी है फिलहाल खत्म हो गई तो हम चलने चल के ना फिर गारी मुलाकात होती माशाल्लाह इतने रस्ते रुकिया क्योंकि बच्चों वास्ते तो बेगम साहब वास्ते जोड़ा है ना तो अम्मी वास्ते जोड़ा है मैं जूस लै लीए क्योंकि प्यास उन्होंने लगी हुई थी लेकिन पानी तो नलका वगैरह कोई चीज़ ऐसी है नहीं तो मैं क्या जोड़ा है ना जूस इतों लै लीए क्योंकि नुमान जोड़ा उन्होंने प्यास लगी हुई है उधर जोड़ा बेगम साहब वास्ते तो अम्मी जी वास्ते जोड़ा है ना लै लीए जूस। हाँ जी तो हूँ जोड़ा है ना रस्ते शायद जोड़ा है या तो पकाने वास्ते कोई चीज़ लैके जावे तो या जोड़ा है ना पक्की पकाई जी रोटी लैके जावे क्योंकि डॉक्टर ने कहा भी जल्द जाकर कुछ खवा पका के जी ना दवाई देनी तुम्हें तेरे सला जोड़ा ना मैं कहना पक्की पकवाई होटल से रोटी फाड़ के लै जावगा। हाँ जी तो माशाल्लाह जोड़ा है ना अलहमदुल्ला खैर सलामत जोड़ा है ना घर पहुँच आए हैं तो रोटियां जोड़िया है मैं उतो रस्ते ही लै लिया अपना होटल तो मैं आखिर इस टाइम जोड़ा है ना किचन तो धुप आँगी ता करके जोड़ा है ना मैं रोटियां जड़िया ना उतो ही लै लिया मैं जो जाकर दे देवे एक मैं लेट हो जानी जी अगर घर पकाना तो खाना पकाया तो मैं लेट हो जानी तकरीबन दो घंटे लग जाने मैं क्या फिर इतों ही पक्या पकाया सालन जोड़ा मैं लै लिया तो हूँ जोड़ा मैं सालन जोड़ा ना बेगम साहब अम्मी जी ने पा के दें क्योंकि वह भी जिस टाइम असं गए तकरीबन सूँ उ चार पाँच कह रहे हैं तकरीबन जोड़ा है ना तीन साढ़े तीन घंटे सूँ उ लग गए तो मैं क्या रोटी जी ना सारे पहले अम्मी जी बेगम साहबान पा के देना तो उस बाद जोड़ा फिर तेरे मुलाकात करना जी तो रोटी सालन जोड़ा मैं पा लिया तो बेगम साहबान दें तो अम्मी बुनी जोड़ा है मैं सालन देता तो रोटियां भी तो हूँ जोड़ा बेगम साहबान दें हाँ जी रोटी जी है बेगम साहबान खवा के तो दवाई जी मैं देती तो मैं आया मैं तंदूर जोड़े है ना दुख तो सुख रहे मैं कहना जोड़ा है ना मुंगर मार लीए क्योंकि इन्हें जोड़े ना मुंगर इन्होंने आखिरी बार मारा ना आया तो तंदूर जोड़े मुकम्मल तैयार हो जाने तो इन्होंने इंशाल्लाह जोड़ा हैगी तो जी है ना अभी गर्मी फिर बहुत हैगी तो टाइम इतने काफ़ी लग जाए लेकिन जोड़ा है ना चल मुंगर इन्होंने मार लें तो उस बाद जोड़ा है ना कुछ 10 मिनट जी रेस्ट कर लेंगे छां से तो इंशाल्लाह पहले जोड़ा ना मैं सारे पहले जोड़ा है मुंगर मार लेना उस बाद जोड़ा कोई और काम करने हाँ जी तकरीबन जोड़ा है ना सारे मुंगर मार के फिर तेरे मुलाकात करना क्योंकि गर्मी बहुत है। हाँ जी तो मुंगर जोड़े मैं टोटल मार ले तो मिट्टी जी हाले तक गोन वाली पई है लेकिन जोड़ा है ना थोड़ा जहा अगर छां आ जाती मिट्टी तो उस बाद जोड़ा है मिट्टी गोना क्योंकि मुंगर जोड़े है ये ना मारता धुप तो जोड़े है तंदूर खराब हो जाने तो इंशाल्लाह जोड़ा है थोड़ी छां आ जाती तो मिट्टी जी है वह भी गो लें उतना चिर जोड़ा है ना हूँ एक मिनट जोड़ा है ना 25 मिनट लगे ने लेकिन जी ना गर्मी ने एंड करती तो हूँ जोड़ा है ना सब तो पहले जाके चल पानी पीने उस तो बाद जोड़ा मिट्टी गोवे। हाँ जी तो इधर आमना तो नुमान जोड़े ने फुटबॉल ने खेड रहे हैं इधर धुप तो नहीं खेडना नुमान आमना धुप तो नहीं खेडना ठीक है ना छां छां तो खेडो काका।
ਕਾਕਾ ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਮਿੱਟੀ ਚੱਲ ਕੇ ਗੁੰਨੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਹ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਬੇਗਮ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਵਾਈ ਦੇ ਕੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਕੇ ਮਿੱਟੀ ਗੋ ਕੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਤੰਦੂਰ ਹੁਣ ਲਈ ਪੀ ਕੇ ਠੀਕ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਸਾਂਝਰੇ ਲਿੰਬਾਂਗਾ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਚਾਹ ਬਣਾ ਕੇ ਅਤੇ ਦਵਾਈ ਦੇ ਲੈਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਅੱਜ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸਕਿਆ ਸਿਰਫ ਤੰਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹਾਰ ਵਗੇ ਨੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮਿੱਟੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਲੀ ਤੱਕ ਜਾਂ ਗੋਮਾਂ ਵਾਲੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਪਈ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿ ਦਵਾਈ ਦੇ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਫਿਰ ਕੰਮ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਜਾਂ ਸੁੱਤੇ ਵਿਹਲ ਹੋਵਾਂਗਾ ਹਾਂਜੀ ਅਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਚਾਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਪੱਕ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਗਈ ਤਿਆਰ ਹੁਣ ਥੱਲੇ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਬੇਗਮ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਵਾਈ ਦੇ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਮਿੱਟੀ ਗੋਵਾਂ ਵਾਲੀ ਪਈ ਹੈ ਮੁੰਝ ਖਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਕੰਮ ਅੱਜ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਅਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਚਾਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸੀ ਬੇਗਮ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਚੱਲਿਆ ਹੁਣ ਮਿੱਟੀ ਗੋਣ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰਦਾ ਜੇਕਰ ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਗੋ ਲਈ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਤੰਦੂਰ ਲਿੰਬ ਲਵਾਂਗਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਮੁੰਝ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖਲੀ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੁਣ ਇੰਨੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਉੱਥੇ ਲੇਡੀ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਨੰਬਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬਈ ਇਸ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਅਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਵਿਲਾਗ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਕਰਨੇ ਆ ਮਿਲਣੇ ਆ ਕਿਸੇ ਨੈਕਸ ਅੱਛੇ ਤੋਂ ਅੱਛੇ ਵਿਲਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਕਿ ਲਿਖਣਾ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਬਾਈ ਜਾਸੂ ਦੀ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।